मुझ असमर्थ को ऐसी प्रतिकूलता दी गई कि वो शरणागति बन गई, नहीं तो शायद न बनती। एक होती वाणी से शरणागति कहना और एक होता शरणागति वास्तविक हो जाना। मोको ठौर ना और कहो, बचपन से घर तो कोई थोड़ा राग था तो वो ऑपरेशन हो कोई था ना, पास में कोई पानी देने वाला नहीं, जहां रह रहे थे वहां से निकाल दिए गए कि किडनी खराब है, आगे बढ़ेगी किडनी की खराबी तो लाखों रुपया कौन लगाएगा बाबा जी पर, लाख कोई नहीं पूछता, विश्वास कर लो माइक से। इसीलिए बार बार कहते कि तुम्हें अगर लग रहा हो कि तुम्हारी भैया और भाभी और मौसी और जीजा तुम्हें प्यार करते तो भूल जाना, कोई नहीं कर रहा। जब ये सबने जान लिया कि ये तो बाबा जी किसी काम का नहीं तो कोई देखने नहीं आने लगे, कोई नहीं, 200 वर्ष से बाबा जी तो कोई नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं, जहां रह रहे थे वहां से निकाल दिए गए। अब बोलो, एक रुपया नहीं, कोई ठौर नहीं, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं, कोई प्रेम से बोलने वाला नहीं। अगर जिनको समझते थे कि ये थोड़ा तो सा जब उनके पास खड़े हो तो पीठ कर लेते थे, ये सब देखा है। तब क्या हुआ, बचा खुचा अहंकार था, सब मिटिया मेट हो गया। अब लगा कि असलियत से हुआ कि लाडली अब आपकी सेवा कोई, ये जो आप देख रहे हो ना ये केवल गोरे चरण अरविंद का प्रताप है। मांगने से भी कोई 100 रुपया नहीं देता, आप ये मत समझो, यहां किसी से कभी कहा नहीं जाता। इस शरीर का जब ये रोग बढ़ा, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बात आई तो 250 रुपया उस समय लगते थे। एक संत ले गए, एक संत के पास ही, बोले संत सेवा करते हैं आपके अल्ट्रासाउंड के लिए 250 रुपया दे देंगे। गए तुम, जैसे किसी मुजरिम से बात की जाती है ना, कोई ऑफिसर बात करता है, आ दिखाइए कागज दिखाइए, कहां कैसे, सही में खराब है, सही में अल्ट्रासाउंड कराना है, रहने दीजिए। वो संत थे, उन्होंने कहा वैष्णव है, संत है, कोई धोखे के लिए थोड़ी कह रहे हैं, हम आपके पास आए तो आप कह रहे हैं तो हम कह रहने दीजिए, रख लीजिए। फिर बलराम ने करवाया था, बलराम ब्रजवासी, सब देखा है, यही देखा है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये केवल स्वामिनी के महल की कृपा है, स्वामिनी के महल की, उनकी मौज आ गई वो ऐसे। अगर ठौर कहीं है तो भागना पड़ता, जानते हो मन ने क्या निश्चय किया, अब मरना है, बस इसी रज में मरना है। सत्य कहते रात्रि में जब शयन करना होता तो अब हमें तो पता नहीं था, चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो लगा कि किडनी खराब को मतलब कभी भी मर सकते हैं, डॉक्टर ने कहा था कि आप 5 साल में मर जाओ, तो हमका कभी भी मर सकते हैं। तो रोज राधा वल्लभ जी की छवि ऐसे प्रसादी चुनरी से अपनी छाती में बांधते, रज लगाते, चरणामृत पीते, क्योंकि कोई देने वाला तो था ले, तो उनका पता नहीं रात में मर जाए तो बड़ा अच्छा समय कटता। आपको सही बताए, भजन करना थोड़ी पड़ता था, बिल्कुल तैयारी में रहते थे। प्रियालाल के प्रति जो शरणागति हुई, ये प्रियालाल की कृपा हुई कि मोको और ठौर। सच्ची बात, आप वो आज देखकर आपको लगता है कि अरे भाई नहीं था, यही की बात है। हाथ जोड़ के कह रहे थे कि महाराज जी एक कमरे में पड़े हैं, मांगने लायक नहीं रहेंगे तो कम से कम 2 टुकड़े आपके यहां से मिल जाएंगे, बीमार शरीर पड़े रहने के लिए। उन्होंने कहा तुम्हारे ठेकेदार हैं हम, निकलो, ऐसे ही शब्द थे। तो उन्होंने कहा आंखें नीची करो, हम 15 मिनट में बाहर जा रहे हैं, ठेकेदार तो कोई और है, हम आपको ठेकेदार तो न माना था और न मानते हैं, ठेकेदार तो कोई और है। झूला उठाया राधा वल्लभ जी के सामने बैठ गया कि महाराज अब कहां रहे, आप क्या समझते हैं, आप आज देख रहे हो कि अरे भाई ये लाडली का है, ये लाडली का विधान है। मेरी औकात तो ये थी कि भर पेट रोटी भी नहीं, वास के लिए जगह नहीं, जैसे कोई स्वान को ठोकर लगा के निकाल देता है, ऐसे निकाले मुंह को और ठोर। ये जो आप लाडली का प्यार सुनते हो ना कि मेरी लाडली जो ऐसा, ये उन्होंने किया है, मेरी सामर्थ्य नहीं थी, उन्होंने ऐसा कर दिया, हर जगह से निराश कर दिया, हर जगह से उदास कर दिया,
तब एक जगह बची गोरे चरणा, लाडली लाडली, खोल दिया उन्होंने कृपा का दरवाजा, आनंद ही आनंद।